डेरी मिल्क किन किन को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास है एक डेरी मिल्क चॉकलेट का पैकेट और यहाँ पे मैं इसे निकाल के इसमें डाल देती हूँ जार में, ग्राइंडर जार में, और ये चला गया ग्राइंडर जार में। ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसे 10 मिनट पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी। और कुछ बिस्किट डाल दिए हैं और इसके साथ चीनी भी डाल दिए हैं। और अब मैं डाल देती हूँ हाफ कप मिल्क और इन सबको अच्छे से ग्राइंड करेंगे और ये चॉकलेट वाले पैकेट में डालेंगे इसको, और इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। और ये है मेरे पास कप, जो यूज एंड थ्रो कप होता है पेपर वाला, उसमें डाले हैं। और इसमें भी थोड़ा सा कट लगा के आइसक्रीम स्टिक डालेंगे और 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो 10 घंटे में मेरी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।